उसमें ये सारा आ जाएगा ना। चेकी 24/7 के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका फिर से हम वेलकम करते हैं। मैं आपको बता दूं कि ये जो लोग आप देख रहे हैं ये क्रिचापथरी बाला इलाके के लोग हैं। आपको ये सुन के हैरानगी होगी क्योंकि ये जो लोग हैं, हालांकि गुजर कम्युनिटी के यहाँ पे लोग हैं, कश्मीरी कम्युनिटी के भी कुछ लोग हैं, लेकिन गुजर कम्युनिटी के ज्यादा लोग हैं। आज के दौर में एक तरफ से पैन इंडिया का काम किया जा रहा है, डिजिटल इंडिया जो है पूरे मुल्क को बनाया जा रहा है, लेकिन आज के दौर में सुन के आपको ये हैरानगी होगी कि 1947 से पहले की जिंदगी जिस तरह से लोग बसर कर रहे थे, अगर आपको ऐसा गांव देखना है तो आप जिला शोपियां में क्रिचापथरी इलाके में आ सकते हैं। आपको वो फीलिंग जो आपके दादा परदादू ने फील किया था वो आपको यहां पे आके फील होगा, क्योंकि इस गांव में कोई भी बेसिक फैसिलिटी नहीं है। यहां पे बिजली आप इसे अंदाजा लगा सकते हैं कि जो बिजली का ट्रांसफार्मर है वो एक दूसरे हल्का तो एक ही है लेकिन दूसरे गांव में है। वहां इसलिए रखा गया है क्योंकि ट्रांसपोर्ट की जो सुविधा है वो नहीं है। अगर वो उसको टेक्निकल फॉल्ट आ जाता कोई या खराब हो जाता है तो रिपेयरिंग के लिए ट्रांसपोर्ट होना जरूरी है, तो यहाँ गाड़ी नहीं आ सकती, तो कम से कम 4 किलोमीटर दूर ट्रांसफार्मर रखा गया है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 1947 से पहले, मैं बार बार ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 1947 से पहले आजाद हिंदुस्तान था नहीं, और जो लोग जिंदगी बसर कर रहे थे वो कदीम टाइप की लोग जिंदगी बसर कर रहे थे। उस जमाने में कोई बेसिक फैसिलिटी नहीं हुआ करती थी, मोबाइल फोन नहीं हुआ करते थे, नेटवर्क नहीं हुआ करता था, साथ साथ जो है कंक्रीट लेंस नहीं हुआ करती थी, ड्रेन सिस्टम नहीं हुआ करता था, रोड नहीं हुआ करते थे, अच्छे स्कूल नहीं हुआ करते थे। लेकिन जब हम यहाँ पे आए, क्योंकि यहाँ पे DDC वाइस चेयरमैन इरफान मनास और DDC फजल जो है कैलर वो भी आ चुके हैं यहाँ पे, उनका ये अपनी पार्टी के कुछ यहाँ पे ब्लॉक प्रेसिडेंट्स भी आए हुए हैं, जब उन्होंने खुद देखा कि यहाँ पे क्या हालत है। लेकिन मैं आपको बता दूं जब हम यहाँ पे आए, खुदा अल्लाह की कसम ये हकीकत है, आप खुद यहाँ दौरा कर सकते हैं कि यहाँ के लोग इंसान हैं, लेकिन इन लोगों के साथ जो धोखा किया गया है वो बैंक के नाम पे, यहाँ पे जो भी आया उसे सिर्फ वोट हासिल किए हैं, उसके बाद यहाँ तवज्जा नहीं दी गई है। DDC और सरपंच सिर्फ 2 किलोमीटर दूर उसका मकान है, लेकिन अफसोस की बात है कि उसको अपना घर नजर आता है, अपना मोहल्ला नजर आता है, अपना इलाका नजर आता है, लेकिन 2 किलोमीटर ये दक्षिण साइड में ये एक छोटा मोटा गांव हम कह सकते हैं, क्योंकि 70 से ज्यादा लोग जो घर है यहाँ पे हैं, ये क्रिचापथरी बाला इसको नजर नहीं आ रहा। ये आप अंदाजा लगा सकते हैं कि DDC इलेक्शन के बाद जो लोगों को उम्मीदें जो कहा गया था कि DDC इलेक्शन के बाद लोगों के काम होंगे, MLA इलेक्शन हो ना हो, असेंबली इलेक्शन हो ना हो, लेकिन DDC काम करेंगे, लेकिन अफसोस हमें कहना पड़ता है। आप ये लोग देख सकते हैं, मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये गुजर कम्युनिटी के लोग हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने हिंदुस्तान के साथ तन मन और जान से काम किया है। इन लोगों ने हमेशा हर एक चीज हर एक लिहाज से कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेशन का साथ दिया, हिंदुस्तान का साथ दिया है, लेकिन अफसोस इसी एडमिनिस्ट्रेशन ने इनको जो है नजरअंदाज किया है। गुजर कम्युनिटी को हमेशा टारगेट किया जाता है, गुजर कम्युनिटी के लोगों के साथ ऐसे ही इस्तेसाल किया जाता है, ये सुनने की बातें हैं, लेकिन देखना अगर आपको है तो क्रिचापथरी बाला में आइए कि इन लोगों के साथ क्या हुआ है। चलिए मजीद हम जानेंगे, लोगों से भी पूछेंगे, लेकिन पहले पूछेंगे हमारे साथ चेयरमैन है शोपियां से इरफान मनास साहब, जो कि अपनी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी है यूथ के, और साथ साथ फजलुद्दीन साहब है जून प्रेसिडेंट के, साथ साथ ये DDC मेंबर केरल फर्स्ट है, इनसे भी हम जानेंगे। सबसे पहले आपका खैर मकदम है, यहाँ पे आके अजीब लगता है क्योंकि गांव ऐसा है, अच्छे लोग हैं जी, कुछ नौजवानों से मिले वो पढ़े लिखे भी हैं, लेकिन जो बेसिक फैसिलिटी होनी चाहिए गांव में, लोगों के पास जो होनी चाहिए, ड्रेन होनी चाहिए, बिजली होनी चाहिए, क्योंकि आज जमाना आगे बढ़ने का है, पीछे जाने का नहीं, और यहाँ पे आके ऐसा लगता है कि हम 1947 के पीछे चले किसी गांव में चले गए हैं, इस बारे में आप क्या कहेंगे? आसिफ साहब, मैं आपको बताऊं कि जैसे कि आपने खुद बहुत ही अपने एक अंदाज में बयान कर दिया कि यहाँ की हालत क्या है, तो मैं भी बताता चलूं कि ये लोग मुझे बहुत टाइम से यहाँ बुला रहे थे, लगभग पिछले साल से बुला रहे हैं, यहाँ पे कुछ हमारे हमदर्द हैं, लेकिन मैंने इनसे एक वादा किया था कि मैं आपके गांव में तभी आऊंगा जब मैं पहले वहां कुछ काम करूंगा। हालांकि ये मेरे डायरेक्ट टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी में नहीं आता है, लेकिन बतौरे वाइस चेयरमैन या बतौरे इंसान, मैं तो ओहदों को साइड पे रख के बतौरे इंसान एक खिदमतगार, मैंने यही सोचा कि नहीं, जब तक मैं इनका कोई चीज ना करूं या इनका कोई मसला हल ना करूं तब तक यहाँ नहीं आऊंगा, क्योंकि इससे पहले भी यहाँ बहुत सारे सियासी लोग आए, सियासी लीडर आए जिनने ढोल बजवाया,
जिनने मालाएं डलवाई, जिनने पग पहनाई अपने को, लेकिन इन लोगों ने तो मोहब्बत दी थी, इन लोगों ने इज्जत भी दी थी उनको, इन लोगों ने उनको अपने दिलों में जगह दी, वोट दिया, लेकिन बदकिस्मती से इनके साथ सिर्फ धोखा ही हुआ, इनका इस्तेसाल हुआ, इनका इस्तेमाल भी हुआ और इनको कहीं ना कहीं ठगा गया है। मैं आपको सच बात बताऊं, ये सिर्फ धोखे की बात ही नहीं है, ये एक ठगने की बात है। आजकल जो स्कैम आप सुनते हैं, स्कैम है। एक तरफ से बात की जाए, डीडीसी फंड आती है जी, लाखों में एक हल्के में आती है, डीसी फंड या पीआरआई कुल मिला के 30-40 लाख के तो ये फंड से आते हैं। उसके बाद नरेगा जो है वो करोड़ों में आता है, एक हल्की की बात करें। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि इस गांव को 70 से लगभग चूल्हे यहाँ पे हैं, नजरअंदाज किया गया, क्या इनके लिए पीआरआई पे हक नहीं था या डीडीसी फंड पे हक नहीं था, ये छोड़िए। तो एमजी नरेगा जहां कहा जाता है कि गांव गांव जिसको भी अपनी खेती में किसी की जमीन है अगर वो स्लाइड आ जाती है तो वो खुद अपने गांव में अपने ही घर में काम करके एमजी नरेगा के तहत जो है वो पैसे भी कमा सकता है और अपना काम भी कर सकता है, क्या ये फंड्स इन लोगों का हक नहीं है? देखिए बिल्कुल सही है, क्यों नहीं है, इनका भी वही हक है जो हर गाँव में हर जगह पे इस डिस्ट्रिक्ट में हर इंसान का है, तो यहाँ भी इस गांव का भी उतना ही हक है। मुझे लगता है कि जो यहाँ के अहदेदार हैं, जो यहाँ के चुने हुए लोग हैं, जो यहाँ कुर्सी पे बैठे हुए लोग हैं या जो यहाँ पे आके गए हैं बहुत सारे लीडर, ये सवाल तो मुझे लगता है उनको पूछना ही चाहिए और उनको ही जवाब देना चाहिए इसका, क्योंकि अगर कहीं फेलियर हुआ है तो वही जवाब दे सकते हैं। हम आपसे भी पूछेंगे, आपको भी 2-3 साल हो गए जी जी वाइस चेयरमैन जी, आपने पहली बार दौरा किया, आप इससे पहले क्यों नहीं आया? देखिए मैं आपको यही बता रहा था, आपने सुना नहीं शायद मेरी बात अच्छे से, कि मुझे भी यहाँ लोगों ने बुलाया 1-1.5 साल पहले। मैंने यहाँ देखा कि यहाँ जो सियासी लोग आ रहे हैं, सियासी जमातों के लोग आ रहे हैं, उनको बड़ी इज्जत दी जा रही है। देखिए उनको सर पे बिठाया गया, उनके लिए ढोल बजाया गया, उनको मालाएं पहनाई गई और यहाँ वादा करके निकल गए। तो मैं भी उनकी तरह एक वादा करने वाला इंसान नहीं बनना चाहता था, क्योंकि इन लोगों की उम्मीदें टूट गई थी। तो मैंने लोगों से ये वादा किया था कि जब मैं कोई काम आपका करूंगा, शुरुआत आपकी करूंगा किसी काम की, तब मैं यहाँ हक से आऊंगा। तो मैं आपको इतने सारे लोग यहाँ, इतने लोग हैं, इन सबको पता है कि इनके यहाँ पानी का बहुत बड़ा मसला था, उसकी मैंने पहल की और आज वो पानी का मसला कहीं ना कहीं हल होना शुरू हो गया है, यहाँ काम शुरू हो गया है। तो आज मैं उस हक से यहाँ आया हूँ, इसीलिए आज लोगों ने बुलाया तो आज भी मुझे वही इज्जत अफजाई मिली, मुझे भी एक हिम्मत मिली कि मैं कुछ काम कर चुका हूँ यहाँ, कुछ करना बाकी है, इंशाल्लाह वो हम पूरा करेंगे। शुक्रिया बात करने के लिए। डीडीसी वाइस चेयरमैन ये बात कर रहे थे, डीडीसी हमारे साथ हैं फजल दीन जो कि कैलर से हैं, गुजर कम्युनिटी से हैं, इनकी अपनी कम्युनिटी यहाँ पे है, गुजर कम्युनिटी। जब गुजरों की बात होती है तो सब गुजरे के हो जाते हैं, आप देखते ही हैं, लेकिन तब गुजर के लीडर कहाँ जाते हैं जब ऐसे लोग जो है बेसिक फैसिलिटी इन लोगों के पास नहीं होती है, तब आप जैसे गुजर लीडर कहाँ बैठ जाते हैं, कहाँ छुप जाते हैं? मेरी बात सुनो, आपका शुक्रिया। पहले सबसे पहले हम यहाँ आए, आज मुझे बहुत ही दुख हुआ कि इन लोगों की हालत देख के, सच कहा कि एक लड़का कह रहा था कि हम 1980 में जी रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती से हमारी जो गुजर कम्युनिटी है वोट डालने वाले हमारे ही लोग हैं, तो हम नुमाइंदे को यहाँ भेजते हैं, मान लो चाहे एमएलए हो चाहे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, इन लोगों को भेजते हैं, लेकिन वो उसी टाइम बैद में आते हैं, 5 साल के बाद हमारे लोगों को दोबारा ठगा जाता है। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि अब हमारे लोग भी पढ़े लिखे लड़के भी पढ़ते हैं, अब लोग भी जानते हैं, सोशल मीडिया का जमाना है, आप देखते हैं कौन क्या करता है, कौन क्या करता है। तो आज हम आए इरफान साहब और मैं आए, इरफान साहब को लगभग मुझे लगता है 1 महीना हुआ कि हम जाएंगे उधर कृषि पत्र में जाएंगे, मैंने कहा चलो ठीक है इंशाल्लाह जाएंगे। तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे, मैंने पहले भी कहा है अब भी कहता हूँ कि हम कोशिश करेंगे इनके साथ हैं हम, अगर हमें इनके लिए धरना देना पड़ा, डीसी आवास में सेक्रेटरेट जाना पड़ा, जहां भी जाना पड़ा, हम इनके लिए इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, काम करवाएंगे। आपको मैं आप सब यही कहना चाहता हूँ कि हमारा जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है जिसको हमने चुन के भेजा, हमारे इन्हीं लोगों ने वोट डाले उसको, और 5 करोड़ उसको मतलब सीडीएफ फंड आती है 1 साल की, 6 साल हो चुके हैं उसके, लगभग 36 करोड़ आ गए हैं 6 साल में। हमारा शोपियान का जो हिस्सा था 5-6 करोड़ मतलब उसमें आता है, आप बताओ कहीं पे 10 रुपया क्या वो यहाँ इन लोगों को 1 करोड़, 2 करोड़, 10 लाख, 5 लाख नहीं दे सकता था इन लोगों को, जिन लोगों ने वोट दिए, चाहे हमारा ये शोपियान का सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की हालत उसको नहीं दे सकता, कैलर हॉस्पिटल हमने हार्टलाइन नहीं किया, वो एमपी नहीं दे सकता जिसको हमने चुन के भेजा है। तो हमारे लोगों के साथ हमेशा ही धोखा हुआ, अलबत्ता आप देखते हैं, मीडिया गवाह है, लोग भी देखते हैं, हम 2 भाई हैं, हमने 3 साल हो गए हमारे, मुझे नहीं लगता कभी वो मुझे कोई वो दिन याद नहीं कि हमारे पास कोई श्रीनगर या शोपियान आया होगा, क्योंकि हम लोगों के पास जाते हैं, हम लोगों को बोलते हैं कि आप बताएं आपने आपके काम क्या, इस गांव में काम होंगे आपके जाने के बाद, इंशाल्लाह शुरुआत अच्छी होगी, ये लोग अब इस भरोसे पे रहेंगे कि आपके आने के बाद जो है
वो नहीं होगा जो आपसे पहले आपके आने से पहले भी लोगों को मैं ये यकीन नहीं देता हूँ, भरोसा देता हूँ, क्योंकि हम झूठे वादे नहीं करते हैं। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा इंशाल्लाह, जितने भी इनके मसले हैं, रोड इनकी तीन साइड से आती है, तो हम कोशिश करेंगे किसी न किसी साइड से जोड़ने की। चाहे इनका पानी का मसला, इरफान साहब ने वो मसला पहले हल करवाया, बिजली का मसला इरफान साहब ने कहा ट्रांसफार्मर का हम करवाएंगे यहाँ इसी गांव में इंशाल्लाह, बाकी चीजें भी इंशाल्लाह हम जितने भी इनके मसले हम कोशिश करेंगे करने के। अलबत्ता इन लोगों से भी मेरी गुजारिश है ये कि आप भी देखो, मतलब आप भी थोड़ा मतलब आंखें और देखो कि मतलब आपने जिन लोगों को वोट दिया क्या किया आपके साथ, ये आपको भी देखना चाहिए। शुक्रिया बात करने के लिए। DDC मेंबर फजल चौधरी फजलुद्दीन हमारे साथ हैं, इनका भी कहना है कि लोग जो है आप देख लें किसको चुनना चाहिए, किसको वोट देना चाहिए। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगा, DDC जो कंसर्न यहाँ पे हैं, एक बात मैं उनसे पूछना चाहूंगा, हालांकि जब हम उनसे बात करना चाहते हैं कभी तो वो कैमरे के सामने आने से इनकार ही कर देते हैं जब भी हमने ट्राई किया, लेकिन कुछ और चेहरे आते हैं जिससे हम बात नहीं करना चाहते, क्योंकि हम पकड़ेंगे अथॉरिटीज को जिनको लोगों ने मैंडेट दिया है, जिनको लोगों ने चुना है, हम उनसे ही सवाल पूछेंगे क्योंकि हमें पूछने का हक है, हम लोगों की तरफ से बात उठाते हैं और हम लोगों की बात जो है कंसर्न जो इनको मैंडेट मिला है हम उनसे पूछना चाहते हैं। लेकिन मैं DDC मेंबर नाम लेके ही पूछूंगा, हमीद साहब से गुजारिश करता हूं, पूछता हूं कि क्या आपके फंड्स में इस इलाके के लिए 1 लाख रुपए भी नहीं था? क्या PRI जो कि आप ही देखते हैं, PRI में से 20 लाख आता है कम से कम, 20-22 लाख, 22 लाख में से क्या 2 लाख या 3 लाख इस एरिया के लिए नहीं था? और यहाँ के लोग जो जब यहाँ पे हमने देखा तो लोग बहुत आपसे भी नाराज हैं और जिला इंतजामिया से भी नाराज हैं, खासकर DC शोपियान से भी गुजारिश करता हूँ कि खुदारा वो एक विजिट यहाँ पे करें और देखें कि वाकई में 1947 की उनको भी फीलिंग यहाँ पे फील होगी और वो यहाँ पे आके देखें कि किस इलाके किस सिचुएशन में लोग जो है वो जिंदगी बसर कर रहे हैं। लोगों के पास कुछ नहीं है, अगर मामूली सी बारिश होगी तो हमें लगता है कि हम भी यहाँ से नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि इनका जो पुल है वहां से गुजरना इतना रिस्की है, खुदा अगर कहीं फ्लड आ जाएगा तो ये लोग बह जाएंगे। और इन्होंने कहा कि कहीं लोग बह भी गए हैं तो कम से कम इंसाफ तो है, वो कहते हैं दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना इताअत के लिए कुछ काम न थे करूं भैया। लेकिन अगर दर्द होगा, लोगों ने मैंडेट दिया, आपको भी चाहिए कि लोगों का साथ दे। लोग वोट इस भरोसे पे देते हैं कि आप उनके वोट का जो है, हालांकि कर्ज नहीं कहेंगे ना एहसान कहेंगे, लेकिन आपको उन लोगों के जो एतमाद है, जो भरोसा है, उस पर खरा उतरना है आपको और आपके लोगों के वो मुतालबात पूरे करने हैं जिसके बिना पे आपको मैंडेट दिया गया है, वोट दिया गया है। उम्मीद करते हैं कि हमारी इस लाइव निशा के बाद DDC मेंबर जो कंसर्न अब्दुल हमीद है वो भी इस पर गौर करेंगे, साथ साथ जिला इंतजामिया भी गौर करेगी, ताकि क्रिजापथरी बाला इलाका जो है यहाँ पे रोड कनेक्टिविटी नहीं है, यहाँ पे कोई भी बेसिक फैसिलिटी नहीं है, मैं बयान ही इतना कर सकता, 2-4 घंटे लग जाएंगे, लेकिन उम्मीद करता हूँ वो विजिट करें, खुद देखें और खुद देखें कि यहाँ पे क्या है क्या नहीं है। चेक 24/7 देखते हैं, मैं मोहम्मद आसिफ।